प्रेरणाधार सुंदर शाह जी, आज पूरे विश्व में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से ही यह त्यौहार मनाया जाता रहा है। वैदिक परंपरा में आज के दिन यज्ञ की परंपरा थी और पौराणिक मान्यता की दृष्टि से देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या में पधारने पर घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। घी के दीपक जलाना तो बहुत ही जनकल्याणकारी परंपरा है, इससे वायुमंडल का प्रदूषण दूर होता है। किंतु दुर्भाग्यवश आजकल जो पटाखों की प्रक्रिया चल रही है वह वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित कर देती है। थोड़े से अपने आनंद के लिए कोई ये नहीं सोचता, पटाखों से जो वायुमंडल में विषाक्त गैसें फैल जाती हैं उसका दुष्प्रभाव पूरे मानव जाति को भुगतने के लिए विवश होना पड़ता है। पटाखे छोड़ने वाले ये नहीं सोचते कि हम स्वयं तो क्षणिक आनंद ले रहे हैं लेकिन दूसरों के जीवन के लिए घातक स्थिति पैदा कर रहे हैं। यही स्थिति उन पराली जलाने वाले किसानों की भी है जो थोड़े से खर्चे से बचने के लिए पराली को जलाते हैं। वो इतना भी नहीं सोचते कि यदि जलाना ही है तो पराली, संपूर्ण खेत की पराली को इकट्ठी करके जलाई जाए तो धुआं कम से कम उठेगा और प्रदूषण कम फैलेगा। किंतु वो परिश्रम से बचने के लिए खेत में फैले हुई पराली को एक जगह जला देते हैं और वो धुआं छोड़ती जाती है और थोड़ी बहुत जलती है, अधिकतर धुएं में ही सब कुछ हो जाता है। आप सोचिए, क्या स्वयं को अन्नदाता कहने वाला किसान यदि इस तरह से लापरवाही करेगा तो क्या मानवता के लिए घातक नहीं है? क्या किसान कहलाने की उसकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? हम यदि दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकते तो किसी को दुखी करने का हमें नैतिक अधिकार किसने दिया है? हम तरह तरह के तर्क देते हैं कि पराली को यदि हम पशुओं के लिए खिलाते हैं या कुछ और करते हैं तो खर्चा होता है, गवर्नमेंट इस खर्चे को पूरा करे नहीं तो हम जलाएंगे। ये तो राष्ट्रीय भावना नहीं है। यदि हमें राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति थोड़ा भी भाव हो तो न तो हम पराली जलाएंगे न गंदगी करेंगे, गंदगी को जलाएंगे। अपितु वैदिक परंपरा के अनुसार यदि हर मानव सुगंधित पदार्थों को अग्नि में जलाए तो पूरा वातावरण शुद्ध हो सकता है। संभव है सांप्रदायिक कट्टरता के कारण कोई हवन की प्रक्रिया को मान्यता न दे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे अपने धार्मिक मान्यताओं पर आघात समझेंगे। तो इतना तो कर सकते हैं कि अग्नि में सुगंधित पदार्थ डाल सकते हैं। कोई भी पंथ हो, किसी न किसी रूप में, यहाँ तक इस्लाम में भी लोबान जलाने की परंपरा है, अगरबत्ती सभी जलाते हैं। किंतु अगरबत्तियों से फैला हुआ धुआं भी कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। वैदिक परंपरा में जैसे मैंने अभी पहले कहा, घर घर यज्ञ करने की परंपरा थी और उससे उठता हुआ धुआं संपूर्ण विश्व में शुद्ध वायु को प्रसारित करता था। आप सोचिए, यदि एक मिनट के लिए भी दीप वायु न रहे, ऑक्सीजन न रहे तो क्या पृथ्वी पर सृष्टि का अस्तित्व रह पाएगा? घी के दीपक जलाने के बारे में एक आध्यात्मिक तथ्य यह है कि तन दीपक मन ज्योत करूं प्रेम घृत लवलाग सो बालक श्रीराज की। आप सोचिए, आरत कौन श्रीराज? तन को दीपक बनाया गया है, प्रेम का घृत डाला गया है, मन को जलती हुई ज्योत, ज्ञान के प्रकाश से जलती हुई एक ज्योत का पुंज माना गया है। तन दीपक मन ज्योत करु प्रेम घृत लौला। जिसके हृदय में प्रेम का घृत हो, ज्ञान की ज्योति जल रही हुई मन रूपी बाती जल रही हो, वह हृदय ही धन्य है। और दीपक तो यह संदेश देता है कि जैसे मैं जल रहा हूं वैसे ही तुम दूसरों को भी जलाओ। इस दीपावली पर्व का कितना उच्चतम आदर्श है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। हर व्यक्ति दीपकों की पंक्ति जलाए, एक दीपक जलाने से कार्य नहीं होगा, एक साथ अनेकों दीपकों को जलाएं ताकि उनकी पंक्तियां बन जाएं। यह दीप मालिका का यही भाव है।
खटुती में इस तथ्य को दर्शाया गया है। जब श्री मेहराज वीरा के भावों में कहते हैं कि मेरे आराध्य सतगुरु महाराज, आज दीपावली का त्यौहार है, कितना ही अच्छा होता कि मैं भी आपके चरणों की सानिध्यता में होता। आज सब सुंदर साथ दीपक जला रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। आज हम सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं दीपक जलाते हैं, सारा समस्त हिंदू समाज, सिख समाज, सब लोग जलाते हैं। और वैसे तो पूरी मानवता को ज्ञान के दीप जलाने चाहिए। वेद में कहा गया है कि सतहस समाज सहस्र संकीर्त, 100 हाथों से बटोरिए, 1000 हाथों से लुटाइए। यदि हम इस पुनीत आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार करें तो शायद सारा ये भूमंडल धन धन हो जाएगा। आप सोचिए, पटाखों में न जाने कितने और करोड़ों अरबों रुपए आज फूंक दिए जाएंगे। किसी को वातावरण के प्रदूषित होने की चिंता नहीं है, क्षणिक तुष्टि के लिए। पटाखे जलाने वाले ये भी भूल जाते हैं कि ऐसे भी तो लोग होंगे जो भूखे पेट आज सो भी जाएंगे। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि अशिक्षा के अंधकार में सारा संसार कैसे भटक रहा है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जिसे पेट भरने के लिए की सामर्थ्य नहीं है, वो क्या है? उसका जीवन तो एक पशु के समान है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी लोक पर पूंछ और सिंह से रहित पशु हैं। इस तथ्य को हम झुठला नहीं सकते। आज भी संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ज्ञान से रहित हैं, भूखे पेट सोने के लिए विवश हैं, उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, पैरों में चप्पल नहीं। और हम कुछ धन संग्रह कर लिए हैं तो पानी की तरह पैसे बहाते हैं। आज के दिन पटाखे जलाते हैं, सोचते हैं कि हम खुशियां मना रहे हैं। उनको मना किया जाए तो कहेंगे कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, आप दीपावली का त्यौहार मनाइए, दूसरों को मिठाइयां बांटिए। लेकिन मिठाई का ग्रास डालने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए उन भूखे यतीमों पर, गरीबों पर, कि उनके मुंह में सूखी रोटी का एक कौर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। और जो हम पटाखे छुड़ाकर आनंदित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये भी तो सोचिए, ये जहरीली दवा यदि किसी के प्राण लेती है तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? हमें क्या अधिकार है वातावरण में जहरीली गैसों को फैलाकर दूसरों के प्राण लेने का? ये त्यौहार को मनाने का सही तरीका नहीं है। चाहे दीपावली हो या कोई भी त्यौहार, वातावरण को प्रदूषित करने का नैतिक अधिकार किसी को भी नहीं है। सबको चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, अधिक से अधिक यज्ञ की प्रक्रिया को मान्यता दें, फूल लगाएं जिनकी सुगंध वायुमंडल में फैले, वातावरण सुगंधित हो, तभी हमारे अंदर सात्विक भावनाओं का विकास होगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक कवि ने कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? पटाखे छुड़ाते समय संसार की अशिक्षा की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। यदि हर व्यक्ति इस दृढ़ संकल्प कर ले कि अज्ञानता के अंधकार को हमें दूर करना है, भले ही आधे पेट खाएं, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति पृथ्वी पर अभिशाप होता है। शिक्षा का तात्पर्य वो शिक्षा नहीं है जो आज मनुष्य को राक्षसत्व की तरफ मोड़ रही है, वह शिक्षा जो साक्षरता के साथ संस्कार भी दे, वह समझे कि मैं मनुष्य हूं पहले। वेद ने पहले ही कहा है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। यदि हमारे अंदर नैतिकता का स्तर ऊंचा नहीं होता, हम नैतिक दृष्टि सबल नहीं बनते, तो हम विश्व की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां लेकर भी क्या करेंगे? डिग्रियां तो केवल शोभा की वस्तु हो जाएंगी। यदि ज्ञान हमारे आचरण में चरितार्थ नहीं होता, तो ये सारी डिग्रियां व्यर्थ हैं। हमने मानव तन धारण किया है स्वयं को ज्ञान का दीपक बनने के लिए और दूसरों को भी वैसा ही बना देने के लिए। आने वाली पीढ़ी यदि अज्ञानता के अंधकार में डूब जाए तो इतिहास हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा।
यह अवश्य है, हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए हैं, महाविद्यालय बनाए हैं, लेकिन उससे निकलने वाला मानव क्या अपने को जानता है कि वो वास्तव में कौन है? क्या वह अर्थ उत्पन्न करने वाली एकमात्र फैक्ट्री बनकर नहीं रह गया है? क्या उसके हृदय में संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम की कोई लहर उमड़ती है या नहीं, यह भी देखना होगा। क्या वो खुशियों के नाम पर अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए प्राणियों पशु पक्षियों का वध करके उनके मांस से अपने पेट को कब्रिस्तान बुलाने पर तुला हुआ है? क्या वो मध्य के नशे में यह भी भूल जाता है कि संसार में कोई दुखी भी होगा? दीपक का त्यौहार तो हमें से बहुत कुछ कह रहा है। एक बात कही जाती है, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। एक सतगुरु दूसरे के हृदय में ज्ञान की वही ज्योति जला देता है और उसको अपने समान कर लेता है। हमारा भी नैतिक उत्तरदायित्व है, हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने को सुशोभित करें और सारे विश्व को उस ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करें। देश में करोड़ों मंदिर होंगे, लाखों करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब में मानवता का ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? आवश्यकता है आज महलों की तरह बड़े बड़े मंदिर बनाने के नहीं, बल्कि जो भी मंदिर हैं उन्हें ज्ञान का मंदिर बनाने के। हर मंदिर में पुस्तकालय बने, हर मंदिर से जुड़ा हुआ ध्यान कक्ष हो। मंदिर में हमने भगवान की जो मूर्ति कल्पित कर रखी है वो तो हमारी बनाई हुई है। भगवान की बनाई हुई मूर्तियां तो अशिक्षा के अंधकार में भटक रही हैं, भूख से तड़प रही है, नंगे घूम रही हैं, उनके पास रहने के लिए एक छत तक नहीं है। हम उनके ऊपर दया करें, करुणा की भावना करें, उनको ज्ञान से शिक्षित करें, उन्हें वस्त्र दें, भोजन दें, उनके नीचे कम से उनके सिर के ऊपर कम से कम छत की व्यवस्था करें, यह संपूर्ण मानवता का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हम महलों में रहते रहें, पटाखे फोड़ते रहें, अच्छी मिठाइयाँ खाते रहें और सारे संसार से आँखें मूंद कर हम अपने को सुखी मानकर आज के दिन खुशी हो जाएं, यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है। अब वृक्षों को देखिए, अपने फलों को कभी नहीं खाते, नदियाँ अपने जलों को कभी नहीं पीती, वाय दूसरों के लिए बहती है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश दूसरों के कल्याण के लिए होता है। क्या हम परोपकार की भावना से भावित नहीं हो सकते? क्या हम सारे संसार में हर प्राणी के हृदय में एक ज्ञान का दीपक नहीं जला सकते? तारतम वाणी का प्रकाश जब सबके हृदय में पहुँचेगा तो सारा संसार सांप्रदायिक कट्टरता से मुक्त होकर एक परम सत्य को समझेगा और तब सब में एक कथन चरितार्थ होगा। तत्र का मोह कह सोगा यो एकत्व अनुपस्थित, जो सभी प्राणियों में एकत्व को देखता है, जो गाय में है, कुत्ते में है, चंडाल में है, चींटी के अंदर वही है चेतना, जो हाथी के अंदर है, डायनासोर में भी वही है। फिर मैं एक मानव तन पाया हूँ जिसमें बुद्धि का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, क्षमता है, वो अन्य योनियों में नहीं, तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान से अपने को क्यों नहीं प्रकाशित करूं? ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो विवादों को पैदा न करे, बल्कि सारी मानवता को ये बताए कि सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, चाहे वो मुस्लिम का हो, हिंदुओं का हो, क्रिश्चियन का हो। इसलिए मत मतांतरों के विवादों में लड़ने की आवश्यकता नहीं है और यह कार्य श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी कर सकती है, वेद का ज्ञान कर सकता है, जो सांप्रदायिक कट्टरता को दूर कर सारी मानवता को प्रेम के पथ पर चला सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सर्वथा से उद्घोष करती रही है कि अयम निजः परो वेद गणना लोकचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधायो कुटुम्बकम्। उदार हृदय वालों के लिए ये सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। आज के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, आज ही के दिन महर्षि दयानंद ने संसार से अपना प्रयाण किया था। एक ही लक्ष्य था कि पाखंड के जो भी ध्वज हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और वेद की ज्ञान की ज्योति फैलाई जाए। प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के अवतरित हुए 300 वर्ष हो गए हैं। हम सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व है कि इसको जन जन में हम फैलाएं, सारे विश्व के लिए फैलाएं, सबको परम धाम का मार्ग दर्शाएं, सबको ये बताएं कि वास्तव में हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, हमें जाना कहाँ है,
हमारी आत्मा का मूल लक्ष्य क्या है, कहाँ है परमात्मा, कैसा है सच्चिदानंद परब्रह्म, कैसे हम उसको पाएं, कैसे हम उसको अपने हृदय में बसाएं और सबके लिए सुलभ कर दें। आज सारा संसार धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार है, धर्म के नाम पर आतंकवाद का ज्वालामुखी धधक रहा है, पता नहीं सारी मानवता को कब अपने आगोश में लपेट ले। यदि हमने तारतम्य को नहीं फैलाया तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई चीखे लगाने वाला भी नहीं रहेगा, फिर इस सृष्टि का इतिहास कौन लिखेगा। हम भूल जाते हैं कि इतने परमाणु बम हैं कि सारी पृथ्वी हजारों बार आग के ढेर में परिवर्तित हो सकती है। परमाणु बम से भी ज़्यादा भयंकर स्थिति तो पर्यावरण के प्रदूषण से हो सकती है, जब पल भर में सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, कोई बचने वाला नहीं होगा। इसलिए पटाखे छुड़ाने से पहले हम आज सोचें कि यदि हम वातावरण में सुगंध नहीं घोल सकते तो ये दूषित गैसों का विष न घोलें। यदि हम मन किसी के मन मंदिर में ज्ञान का दीपक नहीं जला सकते तो सांप्रदायिक कट्टरता का आडंबर का अंधकार न फैलाएं। और ऐसा तभी होगा जब हम दृढ़ पतले सत्य के ज्ञान की ज्योति को जलाते रहें। ऋषियों ने कभी लाखों वर्षों पहले यह कामना की थी, अस्तोमा सद्गमे, हे परमात्मा मुझे इस असत्यमय जगत से सत्य की तरफ ले चल, तमसोमा ज्योतिर्गमे अज्ञानता के अंधकार से उस शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चल, मृतोर माम अमृतम गमे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल, इस प्राकृतिक जगत से परे शाश्वत परम धाम की तरफ ले चल, जिसके लिए वेद में कहा गया है यत्र ज्योति अजस्रम अस्मिन् लोके स्वहितम् तत्र माधेय पावन अमृत लोके अक्षत इंद्रा इंद्र परिश्रवा। हे परब्रह्म तू मेरी आत्मा को उस अखंड ज्योति की तरफ ले चल, उस आनंदमय धाम में ले चल जहाँ अनंत ज्योति है, जहाँ आनंद ही आनंद है। आप सोचिए असत्य मिटेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी, अज्ञानता का अंधकार तभी हटेगा जब ज्ञान का दीप जलेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और तभी अमृत से परे होकर तमसोमा ज्योतिर्मय गमय के शाश्वत कथन को प्राप्त कर पाएंगे। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सबके लिए मंगल कामना करता है कि सभी सुंदर साथ इस दीपावली के पावन पर्व पर यह दृढ़ संकल्प करें कि वो तारतम वाणी की ज्योति को, चितुनी की प्रक्रिया को सारे संसार में फैलाएंगे और सबको परम धाम की राह दिखाएंगे। वही संसार में सुंदर सुंदर मंदिर बनाकर केवल घंटी घड़ियाल बजाने के लिए नहीं आए हैं, उन मंदिरों से ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए आए हैं। तारतम वाणी की ज्योति फैलाना सबका नैतिक उत्तरदायित्व है, इसलिए अपने धन को सजावट की अपेक्षा, सोने के कलश चढ़ाने की अपेक्षा, सोने के सिंहासन बनाने की अपेक्षा ज्ञान के प्रकाश में खर्च करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ज्ञानपीठ परिवार सब सुंदर साथ के लिए मंगल कामना करता है और ज्ञानपीठ परिवार के एक सदस्य श्री अनिल श्रीवास्तव जी की तरफ से भी सब सुंदर साथ के लिए शुभकामना कि सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, प्रेम की अविरल धारा बहे, जिससे हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।